हेलो दोस्तों, मैं बादल। मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक माइंड ब्लोइंग सी वीडियो का रिएक्शन लेके आ गए हैं एक बार फिर से। खेसारी लाल यादव एंड अक्षरा सिंह का स्टेज शो है, जिसमें जो गाना है वो है नौ तनवा में गर्दा उड़ा दिया। सही तो जगह का नाम है नौ तनवा में गर्दा उड़ा दिया, खेसारी लाल स्टेज शो छोटका देवराट में। ओके, तो चलिए एंजॉय करेंगे। उससे पहले आपको बता दें किसी ने सजेस्ट किया, या मैं सजेस्ट किया, खेसारी फैंस कुलदीप यादव, सविता, मोहित शर्मा, परविंद पांडे, आर कैन भोजपुरियंस, आर एस के व्लॉग्स, राजा यादव एंड सनी 90। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से इतने कमेंट्स करने के लिए। और ये मतलब खेसारी लाल के स्टेज शो हम खुद भी एंजॉय करते हैं। हाँ। गानों से रियलिटी ज्यादा, देखो गानों से ज्यादा स्टेज शो एंजॉय होता है। हाँ। क्योंकि इसमें ना इनके डांस का स्टाइल कुछ अलग होता है, डांस का स्टाइल भी, और ये बीच बीच में जो मतलब बातें इंटरेक्शन इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज बहुत अच्छी। गाने में जो डांस होता है वो कोरियोग्राफर बताता है, ये डांस इस मतलब इस बोल पे ये डांस, इस बोल पे ये डांस, लेकिन जो स्टेज शो होता है ना इनके दिल से आता है। हाँ। वो होता है। और जो इनकी इंटरेक्शन है ना, जब ये पब्लिक से बात करते हैं, ऐसे लगता है टीवी में हमें भी कि हमसे ही बात कर रहे हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग है पब्लिक इंटरेक्शन। तो चलिए देखेंगे स्टेज शो को, एंजॉय करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर कर लो फॉलो, और साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को बिल्कुल अरे बोटी रंगाई दे हम दुई रुपिया, आगो दी रंगाई पौन दुई रुपिया, मेरा अभी मैं इधर बीच में लगातार गोरखपुर अपना सिनेमा भी कर रहा हूँ, अभी अपराधी किया था। आई लव यू मोर, आई लव यू सो मच। एक एम्बुलेंस बोला ना, लोग तबियत खराब हो जाएगी। ओके ना, नहीं तो अच्छा। लेकिन सिर्फ आई लव यू बोलने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर मैंने आई लव यू टू बोला है तो आपको भारी मतों से इनको जिताना ही जिताना है, ताकि मैं वापस आऊं आप लोगों के क्षेत्र में। प्रमोशन के लिए अगर आप लोग जिताएंगे तो सबको आई लव यू बोलने फिर आएंगे। आई लव यू कोरोना का वैक्सीन। आपके साथ ही लेके। हाँ, हम आएंगे। हम दोनों आएंगे। और हम दोनों ही नहीं, हम और सारे लोगों को भी लेके आएंगे, आपके जिसके जिसके डिमांड होगी। आई देखा जिससे आपको आई लव यू टू सुनना होगा। कि हमारे सैया जी डनस दलानी में, कि होली के दुखवा कैसे बताई, देहिया में होता बतवा राजी, बहरी जाई कि भीतरे लुकाई, केनियो न होता गुजारा जी, माई रे माई ना छोड़ा सा दुनु भाई, कि बोटी रंगा गईल पानी में, कि हमारा सैया जी, हमारा सैया जी Oh!
पागल बनाई बेकार पत्थर की पागल बनाई बेकार गाना याद हो गया मेरे को। इस उम्र में आपको पागल होने की क्या जरूरत है? जिन्होंने डिमांड की डाउन के लिए हाई रिकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन इस उम्र में आप मत पकड़ाइए। हाँ, अब बेटा पर तो के मालिक हो गए होंगे आप। सब लड़के पकड़ाने वाले हैं ना, आप उनको पकड़ाने दीजिए। खाना पीना किला बतानी एक में सिनेमा किया था अरब सऊदी में, वो मेरा लिखा हुई लिखा हुआ ही सिनेमा था सैया अरब के लिए। उसमें इस गाने को मैं गाया था, अजीत हलचल जी जो लिखे थे मेरे गाना कि दही का नदिया के तोहरा बिलारी रखवाले भइले राजा तना के डर जीते बड़ करी खाती जे राजा दिनो रात रहे छतिए पर हाथ जे राजा। उन्होंने ये गाना लिखा था कि तहरा बिना खाना पीना गई
कि सुन हसीना ओ नई राजा छूटे पसीना कहे अमन की परना एक हो हम अमन दिल रे दाद हम सीनो कि पवन अजीत संगे विकास जी आइल बासन बेमारी हो लागत मर जाई खेसारी हो कि पवन अजीत पगल यार ऐसे से गाने तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, स्टेज शो ही बहुत एनर्जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ सच्चाई में कि जो लोग वहाँ बैठे हैं वो क्या महसूस कर रहे होंगे यार, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कितना एंजॉय कर रहे होंगे, क्या माहौल बन गया था यार, बहुत बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग। उनको जो मतलब ऑडियंस होगी ना उनको तो ऐसा फील हो रहा है कि हम ही सिंगर हैं, बस हम ही नाच गए। हाँ बस सही में यार। और जब अक्षरा बीच में कुछ बोल अक्षरा बोल रही थी ना, और फिर खेसारी रिप्लाई कर रहे थे, ओहो इट वाज अ माइंड ब्लोइंग फीलिंग। यार खेसारी भैया जल्दी से यहाँ आके बैठ जाओ। आप लोगों ने बोला मैसेज करा, हमने बहुत मैसेज किए रिप्लाई नहीं आया, वो बिजी आदमी है बहुत ज्यादा, फिर दोबारा ट्राई करेंगे कुछ टाइम बाद। आपको बोला था 1-2 लाख होने दो उसके बाद बात करेंगे, आपने बेइज्जती करा दी। बेइज्जती करा दिया आपने। या तो कोई हमें कमेंट करके बताओ कि हमें कहाँ मैसेज करना था, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं मिला। दोबारा करेंगे ट्राई कुछ टाइम बाद, तो गिव अस सम टाइम ब्रोक्सीज। और क्या कह रहा था मैं, और भी कुछ कह रहा था नहीं, जब अक्षरा ने बोला ना आई लव यू टू आई वाज शॉक्ड। हाँ क्या बोल रही है, कोई सुन लेगा क्या है यार, ये तो पूरी भोजपुरी पता चला किसी और को ही बोल रही है। ये तो पूरी भोजपुरी बोलने लग गए हैं कि भोजपुरी क्या बोली वो पतर क्या वाला गाना कितना अच्छा है यार। आपको याद कैसे हो गया, मतलब याद तो चलो हो जाता है, मुझे भी हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन आपको तो आगे सारे वर्ड्स याद थे। तो भाई हम बादल राणा हैं, आप बादल राणा नहीं है ना, तो हम आपकी बीवी तो है ना, तो बादल तो नहीं है ना। तो गाइस इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग माइंड ब्लोइंग सुपर एक्सपीरियंस, हमें बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा हमारे साथ ये स्टेज शो देखने में। हाँ, क्योंकि हमने तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल एंजॉय किया यार, आज किया यार कसम से, है ना, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। आज तक का सबसे ज्यादा एंजॉय इसी स्टेज शो में किया मैंने। हाँ, ये सच है, सच में माइंड ब्लोइंग स्टेज शो। अगर आपने भी एंजॉय किया हमारे साथ तो प्लीज चैनल कर लो सब्सक्राइब, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पे हमें कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो फटाफट कर डालो। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।